बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। दोस्तों, ये मेरा संडे का व्लॉग है और संडे का दिन तो रेस्ट का और एंजॉय करने का दिन होता है। और इस वक्त नाश्ता हो रहा है, थोड़ा लेट नाश्ता हो रहा है। मैंने सिर्फ 2 बॉयल एग लिए हैं और साथ में चाय है। हस्बैंड को मैंने पराठा और ऑमलेट बना दिया था। इस वक्त जी दोपहर का वक्त है और मैं अपने लिए मिंट मार्गरेटा बना रही हूँ। आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखा होगा, मैं आजकल डाइट पर हूँ, इसीलिए मैंने नाश्ते में भी सिर्फ बॉयल एग और चाय पी थी। मिंट मार्गरेटा की रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, मैंने रमज़ान में भी बनाया था एक दफ़ा। बस थोड़ा सा चिल्ड वाटर लें, पुदीने के पत्ते डालें, एक लीमू निचोड़ के डाल दें, काला नमक डालें थोड़ा सा, और आखिर में डाल दें सोडा कोई भी, या तो स्प्राइट डाल दें या 7-Up डाल दें। मैंने यहाँ पर डाइट 7-Up ली है क्योंकि मैं डाइट पर हूँ। और बस इसको मैं अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी, इतना कि पुदीने के पत्ते आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आए। ये देखें जी, कितनी अच्छी तरीके से ये ब्लेंड हो गया है। और अब ये मैं इसको निकाल रही हूँ कप में। दोस्तों, इसमें शुगर भी ऐड होती है, लेकिन चूंकि मैं डाइट पर हूँ इसलिए मैंने इसमें शुगर ऐड नहीं की है। ये वैसे भी बहुत मज़े का लगेगा। दोपहर में मैंने सिर्फ ये मिंट मार्गरेटा पिया था और मैंने कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि आज मैं जा रही थी अपनी सिस्टर के घर दावत पे। रात को डिनर था उनके घर, क्योंकि मेरी खाला आ रही थी तो मैंने सोचा कि मैं भी चली जाती हूँ। और फिर काफ़ी दिनों से मैं अपनी सिस्टर के घर गई नहीं थी, तो मैंने सोचा कि सिस्टर से मिल भी आते हैं और खाला से भी मुलाकात हो जाएगी। तो बस यही सोच के हम इस वक्त जा रहे हैं बहन के घर। बहन रहती हैं मलीर कैंट में। ये रोड सीधा मलीर कैंट की चेक पोस्ट 5 तक जाता है। सफूरा चौरंगी क्रॉस करते के साथ ही ये सामने वाला रोड है जो सीधा चेक पोस्ट 5 तक जाता है। ये देखें, ये कितना स्मूथ, कितना ज़बरदस्त और कितना खुला रोड है। मुझे ये रोड बहुत ही पसंद है। बस अब हम सीधा जो है वो चेक पोस्ट 5 तक जा रहे हैं। हमारे घर से तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव है। असर की नमाज पढ़ते ही हम निकल गए थे और रास्ते से हमने चाय का सामान ले लिया था, सोचा चाय जो है शाम की साथ पियेंगे। और ये जी हम पहुंच चुके हैं चेक पोस्ट 5 पर। आज बहुत रश था चेक पोस्ट 5 पे, क्योंकि आज संडे का दिन था, विजिटर्स बहुत आ रहे थे। और यहाँ पर ये देखें जी, लाइन लगी हुई है विजिटर्स की। यहाँ आने से पहले एंट्री करवानी पड़ती है, जो मेरी सिस्टर ने करवा दी थी। और ये देखें, निकले हम शाम को थे और रास्ते में मगरिब की अजानें हो गई थी और पहुँचते पहुँचते हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। ये देखें, आप देख सकते हैं हम शाम को चेक पोस्ट 5 पर पहुंचे और हमें तकरीबन आधा घंटा चेक पोस्ट पर गया था। बस जी, चेक पोस्ट से हार्डली 2 मिनट्स की ड्राइव पर सिस्टर का घर है। चेक पोस्ट पे मेरी खाला मुझे मिल गई थी तो मैंने उन्हें भी बिठा लिया था। तो अब हम जा रहे हैं सिस्टर के घर की तरफ। दोस्तों, ये मलीर कैंट है, शहर की गहमा गहमी से बिल्कुल हटकर एक नई दुनिया है। और किसी दिन मैं आपको मलीर कैंट एक्सप्लोर करवाऊंगी, यहाँ क्या क्या है, कौन कौन से मॉल्स हैं, कौन कौन सी जगह हैं, कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं, कितने पार्क हैं, ये सब मैं आपको दिखाऊंगी और आपको पूरे मलीर कैंट की सैर करवाऊंगी। आपको बहुत मज़ा आएगा, आप बहुत इंजॉय करेंगे। बहुत ही वेल मेंटेन्ड जगह है और मैं जब भी यहाँ आती हूँ दिल खुश हो जाता है, क्योंकि मेरे भाई भी यहाँ पर रहते हैं और मेरी सिस्टर भी यहीं पर रहती हैं, तो यहाँ पर अक्सर मेरा आना होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मलीर कैंट की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँ और आपको पूरे मलीर कैंट की सैर करवाऊँ, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जी, बातों ही बातों में आ गया है सिस्टर का घर। बहन हमारा काफी देर से वेट कर रही थी। हम घर से तो वक्त पे निकल आए थे, लेकिन चेक पोस्ट पे हमें काफी टाइम लग गया। तो यही होता है दोस्तों, कभी कभी चेक पोस्ट पर काफी रश होता है। खास तौर से छुट्टी वाले दिन तो अक्सर मैंने रश ही देखा है और लोग शाम को ही मिलने आते हैं, तो इसलिए शाम के वक्त ज्यादा रश होता है। तो जी, हम आ चुके हैं घर के अंदर और साइड पर छोटी सी नर्सरी बनाई हुई है सिस्टर ने। यहाँ सब्जियां वगैरह उगाई हुई है, लेकिन इस वक्त अंधेरा है तो अभी क्लियर नजर नहीं आएंगे। दोस्तों, मेरी एक ही सिस्टर है और सिस्टर के साथ साथ बहुत अच्छी दोस्त और बहुत अच्छी गाइड भी है। मैंने अपनी जिंदगी में ज्यादा दोस्तियां इसीलिए नहीं रखी क्योंकि मुझे कभी दोस्त की कमी महसूस ही नहीं हुई। मेरी बहन मेरे साथ हर कदम पे मौजूद थी, हर मौके पर मौजूद और हर उस वक्त मौजूद थी जब जब मुझे जरूरत महसूस हुई। हम दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और हम हर बात एक दूसरे से शेयर करते हैं। इनफैक्ट हम चारों बहन भाइयों में बहुत अच्छी दोस्ती है और हमारे घर में एक फ्रेंडली माहौल है, क्योंकि जो हमारे भाई की वाइफ्स हैं वो भी हमारी कजन्स ही हैं। तो हमें अम्मी के घर में या भाई के घर में कभी भी गैरियत का एहसास ही नहीं होता, बल्कि अपनाइयत महसूस होती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबके घरों में इसी तरह प्यार मोहब्बत की फजा को कायम रखे। तो जी, यहाँ पर एक खुशगवार माहौल में चाय पी जा रही है, मजे मजे की बातें हो रही है। बहन मेरी सुबह से लगी हुई थी काम में, इसको जबरदस्ती बिठाया था चाय पीने के लिए,
कि भाई बैठो चाय पियो सुकून से। तो जी आपको दिखाती हूँ क्या क्या बन रहा है। जी बिरयानी दम हो चुकी है, कोरमा बन चुका है, हलीम या दलीम भी रेडी है, गरम हो रहा है। ये ढाका चिकन है, बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और इसके अलावा जी ये है गोला कबाब, ये भी रेडी है बिल्कुल बिरयानी के साथ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा रायता बना रही हूँ, गोला कबाब भी है तो इनके साथ रायता बहुत ही मजे का लगता है। बस जी सारी चीजें सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और जी यहाँ पर खाना सेट हो चुका है, भांजियों ने पूरी टेबल सेट कर दी है, डेकोरेट कर दी है बहुत ही अच्छी तरीके से, माशाल्लाह उन्होंने खाने को सर्व किया है। दोस्तों प्रेजेंटेशन बहुत माने रखती है, और अगर खाने के साथ साथ प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो तो खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है। तो बस जी अब सब खाने की टेबल पर आ रहे हैं और खाना शुरू कर रहे हैं। मैंने अपने व्लॉग्स में दोस्तों पहले भी बताया था कि मेरी बहन के हाथ में बहुत जायका है, बहुत मज़ेदार खाना बनाती हैं। इनका चैनल भी है फ्लेवर्स वर्ल्ड के नाम से, जहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं और बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपीज़ हैं, बहुत ही एक्यूरेट रेसिपीज़ हैं और बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ हैं। ये उनके चैनल का नाम है, आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार और शानदार रेसिपीज़ हैं। तो जी खाना शुरू हो चुका है और सब मज़े ले लेकर खा रहे हैं और साथ साथ तारीफ़ें भी करते जा रहे हैं, क्योंकि खाना वाकई बहुत लजीज था और भाई मज़ा आ गया। मेरी तो डाइटिंग चल रही है, लेकिन आज मेरा चूंकि चीट डे था इसीलिए मैंने हर चीज़ ट्राई की, मगर कोशिश यही की कि जितना कम खा सकूं। लेकिन बस सुबह से आज मैंने कुछ खाया नहीं था, इसलिए थोड़ा बहुत तो खाना ही था। कोरमा बहुत ही मज़ेदार था, सबको बहुत ही पसंद आया कोरमा और बहुत ही शौक से खाया गया। हर चीज़ बहुत टेस्टी बनी हुई थी, हस्बैंड ने भी बहुत तारीफ़ की खाने की और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा खाना हुआ। मेरी खाला ने भी बहुत तारीफ़ की खाने की, बहुत खुश हुई, बहुत मोहब्बत से आई थी वो मेरी बहन से मिलने, तो इसलिए बहन ने उनके लिए बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था। तो जी खाने के बाद बारी आई थी डेजर्ट की, और डेजर्ट भी बहुत ही मज़े का बनाया हुआ था। ये मिठाई मेरी खाला लेकर आई थी तो ये भी रख दी थी। ये मेरे बहनोई के भाई हैं, ये भी इन्वाइटेड थे, ये मेरे बहनोई हैं, इनको आप पहले भी मेरे व्लॉग्स में देख चुके हैं। बाय प्रोफेशन ये डॉक्टर हैं, ये मेरी खाला के हस्बैंड हैं और उनके सबसे छोटे बेटे हैं ये। बस यही आए थे आज इनके साथ यहाँ। डेजर्ट में फ्रूट केक कस्टर्ड था जो बहुत ही मज़े का बना हुआ था, मिठाई थी, आइसक्रीम थी, तो कस्टर्ड में थोड़ा सा अगर आइसक्रीम डाल के खाएं तो मज़ा आ जाता है। शादी ब्याह में जो लबेशीरी बनाया जाता है उसमें वनीला आइसक्रीम भी डालते हैं। ये हैं जी द वन एंड ओनली माई ब्रदर इन लॉ, और मैं यहाँ खा रही हूँ कस्टर्ड में थोड़ी सी आइसक्रीम मिक्स करके। इस वक्त मैं अपनी डाइटिंग भूल चुकी थी। तो जी खाने के बाद हम फिर बैठे, खूब बातों का दौर चला। ईद गुजरे, अभी चंद ही दिन गुजरे हैं, तो इसीलिए मैंने खाला के सबसे छोटे बेटे को ईदी दे दी थी और जो मेरे बहनोई के भाई की बेटी है उनको भी दे दी थी। ये गिफ्ट मेरी खाला लेकर आई थी बहन के लिए, तो हमने कहा कि चलो इसे ओपन करके देखते हैं, और उनके सामने ही हम ओपन भी कर रहे थे, बातें भी हो रही थी। बहुत ही खूबसूरत उन्होंने ये गिफ्ट दिया था मेरी सिस्टर को, बहुत ही पसंद आया मेरी सिस्टर को। मेरी ये वाली खाला जो हैं ये सबसे बहुत ही मोहब्बत से मिलती हैं, सबका बहुत ख्याल रखती हैं। ये एक्चुअली लाहौर में रहती हैं, तो कुछ दिन के लिए कराची आई हुई थी, तो मेरी बहन से मिलने स्पेशली आई थी, क्योंकि बहन नए घर में शिफ्ट हुई थी तो वो आ नहीं सकी थी पहले, तो इसलिए आई थी वो आज मेरी बहन के घर। ये हैं जी मेरी खाला जो लाहौर में होती हैं, इनके माशाल्लाह तीन बेटे हैं, तीनों हाफिज कुरान हैं, दो बड़े जो हैं वो इंजीनियर हैं और जो एक छोटे हैं वो CA कर रहे हैं। खाने के बाद भी काफ़ी देर तक बातों का सिलसिला चलता रहा, बहुत ही मज़ा आ रहा था। बहन अब थोड़ा फ्री होके बैठी थी, पहले तो वो ज़रा खाने की तैयारी में मसरूफ थी तो अब ज़रा फ्री होके बैठी थी। ये हैं खाला के सबसे छोटे बेटे। इसके बाद जी खाला को पूरा ऊपर का पोर्शन दिखाया, ऊपर बच्चों के बेडरूम्स हैं और यहाँ का पूरा होम टूर मैं आपको अपने ब्लॉग में दे चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी। तो अगर आपको मेरी बहन के घर का होम टूर करना है तो आप वो वाला व्लॉग देख लीजिएगा। तो जी यहाँ सब जाने के लिए निकल गए हैं और खुदाफिस कर रहे हैं। बहुत ही मज़ा आया आज, और मुझे तो हमेशा ही मज़ा आता है क्योंकि ऑब्वियसली मेरी तो बहन का घर है, जब भी आती हूँ दिल खुश हो जाता है। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरी बहन को ज़िंदगी की हर खुशी अता करे और उसके बच्चों को ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी से हमकिनार करे, आमीन। दोस्तों ये था मेरा आज का व्लॉग सिस्टर के घर की दावत का, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय।